केंद्र सरकार के नए कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस सेवा दल ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन संयुक्त कलेक्टर बीपी पांडे को सौंपा और इस बिल को किसान विरोधी बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। कांग्रेस सेवा दल सिंगरौली के अध्यक्ष रूपेश चंद पांडे ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल का कांग्रेस विरोध कर रही है, क्योंकि ये बिल किसान हितों की अनदेखी करते हैं। कांग्रेस सेवा दल इस बिल का विरोध करता है, साथ ही संपूर्ण देश में किसान आंदोलन और उनके संघर्ष का समर्थन कर रहा है। किसानों की चिंताएं, उनकी मांगे वास्तव में लोकतंत्र और देश हित में हैं। उक्त तीनों बिल किसान हितैषी न होकर पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के हित में पारित किए गए प्रतीत होते हैं। ज्ञापन सौंपने वालों में जिला कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष रूपेश चंद पांडे, जिला कांग्रेस सेवा दल शहर के अध्यक्ष रामबाबू सिंह सहित कई सेवा दल कार्यकर्ता इसमें शामिल थे। राष्ट्रव्यापी किसानों के आंदोलन चल रहे हैं और केंद्र सरकार जो है मोदी की, इस सरकार ने काला कानून लागू किया है। किसानों को अब इतनी भी आज़ादी नहीं है कि वो अपने फसल को अपने इच्छा अनुसार बेच सकें। जो समर्थन मूल्य था, इन्होंने सीधे उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए एक काला कानून बनाया है। तीन काला कानून जो इन्होंने बनाया है, पहला किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्यिक संवर्धन और सुविधा विधेयक, दूसरा किसान सशक्तिकरण और संरक्षण विधेयक, और तीसरा सेवा विधेयक और आवश्यक वस्तुएं संशोधन विधेयक। जो वर्षों से पुराना कानून बना था किसानों के हित में, आज आप देखें कि सभी किसानों को उद्योगपतियों के हाथ में सीधे जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। और इस काला कानून का विरोध करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम संबोधित ज्ञापन कलेक्टर सिंगरौली के प्रतिनिधि माननीय SDM को सौंप करके इसके निदान की बात की। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।